इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक वीवीआई टॉपिक फॉर कोर्स कोड एबीसी 105 एंड 205 एज वेल, दोनों कोर्स कोड के लिए है। और वो टॉपिक है हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ आखिर है क्या। ठीक है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है इंक्लूसिव, यानी ये किसी मतलब ये इंक्लूड करना चाहता है ऑल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी कोई एक्सक्लूड ना रहे। तो ये कह सकते हो कि इंक्लूसिव ग्रोथ जो है एक प्रोसेस है बाय विच, ठीक है, वन साइड क्रिएटिंग लॉट ऑफ इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटी, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक जॉब अपॉर्चुनिटी, और दूसरा साइड गवर्नमेंट इंटरवेंशन से ये चीज देखा जाता है कि जो बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ है वो सभी ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिल सके, ठीक है, बिना किसी के भेदभाव के, विदाउट मेकिंग एनी काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो एक प्रकार से सिंपली हम कह सकते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ वो ग्रोथ है जो इकोनॉमिक्स ग्रोथ को इस तरह किया जाता है जिसका बेनिफिट सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिले, स्पेशली जिसका लो इनकम और डिसएडवांटेज जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको मिले, इस पर ध्यान रहना चाहिए। अगर आप जनरली इकोनॉमिक्स ग्रोथ होता है कहीं पर, जैसा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप समझ रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट से लेना है इसको। जैसे कोई जरूरी नहीं कि किसी भी देश में ग्रोथ हो रही है तो इसका सभी ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी गेट बेनिफिटेड इक्वली, ये जरूरी नहीं है। जैसा कि कोरोना काल में हम लोगों ने अपने ही देश में देखा कि कुछ बड़े बड़े कैपिटलिस्ट के इनकम में काफी वृद्धि हुई, जबकि बाकी सभी मिडिल क्लास अपर लोअर सबका इनकम हड़ास हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा जॉब लॉस्ट हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोरोना वायरस COVID-19 में। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट है उसकी में कमी, छोटे छोटे कैपिटलिस्ट में उसकी इनकम में डिक्लाइन हुआ है, लेकिन बड़े कैपिटलिस्ट कुछ हैं गिने चुने हमारे देश के, उसके में कोई कमी नहीं नजर आई। तो वो इंक्लूसिव ग्रोथ तो हमारे देश में हमेशा हुआ, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म जब लिया गया था 1991 में, तो उस समय हमारा ऐसा बात नहीं कि ग्रोथ रेट बहुत ही शानदार रहा, एकदम अप्रोक्सीमेटली कभी कभी तो 10 डबल डिजिट को टच करने वाला था, ऐसा बात नहीं है। लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं था कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स ग्रोथ हमारा काफी तेजी से हुआ है आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ इकोनॉमिक्स पॉलिसी LPG, लेकिन इनइक्वालिटी में कोई कमी नहीं हुआ है बल्कि वृद्धि भी हुआ है, ठीक है। तो इस पर हम लोग लेटर ऑन पार्ट्स में आएंगे। तो आप कह सकते हो इंक्लूसिव ग्रोथ में तीन फैक्टर को इंक्लूड करेगा। पहला, एक तरफ हमारा इकोनॉमिक्स ग्रोथ होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, दूसरी तरफ इनइक्वालिटी घटनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार किया जाए गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत होगी, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन की मदद से एक तरफ इनइक्वालिटी को मतलब कम से कम किया जाए और दूसरी तरफ जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ाया जाए ताकि समाज के ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी गेट बेनिफिटेड। अब आपके दिमाग में ये भी हो रहा होगा भैया कि इकोनॉमिक्स ग्रोथ होगा तो काहे कुछ सेक्शन एक्सक्लूड हो जाता है बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ का। इसका साथ एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, शायद आपको समझ में आ जाएगा। अब मान के चलो कहीं पर डैम बन रहा है, डैम वाटर जो होता है ना जिसको स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है, ये छोटा मोटा तो नहीं बनता है, बहुत सारे हेक्टेयर जमीन को ये अक्वायर करना पड़ता है, वहां पर जंगल झाड़ में ही टाउन में तो बनेगा, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में तो डैम नहीं बीच टाउन में बनेगा, किनारे कौन रहता है, गरीब ट्राइबल लोग रहते हैं, गरीब लोग ही रहते हैं, उसको हटा दिया। और डैम बनने से बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, कोई प्राइवेट प्लेयर बनाया है तो वहां पर वो तीन तरह ये मल्टीपर्पज होता है डैम, ठीक है, इसमें आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, जब बिजली को पानी से इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू वाटर तो उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, वो बेचेगा कमाएगा रुपया, जैसे BBC हमारे झारखंड में, ठीक है। तो इससे कुछ तो बड़े बड़े लोगों को फायदा हो रहा है, जो लगाएगा पैसा शेयर लगाएगा उसको तो मिलेगा,
लेकिन उन बेचारों का क्या, जो वहां पर रहते थे उनका सही मुआवजा भी नहीं मिलता। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं, ये अपना ही हमारा होम डिस्ट्रिक्ट का एनटीपीसी, हमारे यहाँ धनबाद से भी ज्यादा कोयला बड़का गांव क्षेत्र में निकला, ठीक है। वहां पर एक एकड़ जमीन की कीमत सरकार के द्वारा सरकारी जो वैल्यूएशन किया जा रहा है मात्र 2 से 3 लाख रुपया, 25 कट्ठा जमीन 2 से 3 लाख रुपया, 1 कट्ठा बराबर आपको 1800 समथिंग स्क्वायर फीट होता है, शायद सब जगह कट्ठा अलग अलग होता है, हेक्टेयर एक ही रहता है। तो वहां पर 25 कट्ठा जो होता है, 1 कट्ठा बराबर 18 मतलब लगभग 1844 स्क्वायर फीट होता है, और उतना उतना को 25 से मल्टीप्लाई करो, उतना स्क्वायर फीट के लिए मात्र 2-3 लाख वहां खेती करके उन लोग जीते थे। और एनटीपीसी में पैसा कौन गया, वो प्राइवेट प्लेयर दे दिया, मां अंबे वगैरह बहुत सारे कंपनी को दे दिया, इसमें हमारे देश के भी बहुत बड़े बड़े नेता भी वहां पर कंपनी में पैसा लगा के कमा रहे हैं। अब उन बेचारों गरीब का जो खेती करता था उनका तो एक रोजगार चला गया, और 2 और 3 लाख रुपया पकड़ा दिया गया, भाई 10 एकड़ है आपका, 20 लाख रुपया क्या होगा, वो कहीं उतना नहीं ले सकते हैं, तो क्योंकि सरकारी जो वैल्यूएशन किया जाता है बहुत कम। तो यहाँ पर बेनिफिट तो मिला बड़े बड़े पूंजीपति के, जो कैबिनेट मिनिस्टर भी हो सकते हैं, कुछ हो गया पता लगाइएगा कौन कौन मालिक है किसका, तो मां अंबे हो गया, त्रिवेणी हो गया, आप लोग खुद देखिए नेट पर। तो यहाँ पर एक तरफ तो ये बात है कि भैया बड़े बड़े लोगों का तो फायदा हो गया, एनटीपीसी भी मैं जो सरकारी था परंतु प्राइवेट, और प्राइवेट से करवा रहा, सीसीएल जो था वो प्राइवेट पार्टी चले, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर को फायदा हो रहा है और इसमें सरकार को भी कमीशन मिलता है, इसमें बोलने में कोई हमको आपत्ति नहीं है। लेकिन वहां रहने वाले लोगों के साथ ऐसा बेइंसाफी हुआ है, तो यहाँ पर तो ये तो डेवलपमेंट हुआ एनटीपीसी से, हमारे पूरे देश में बिजली थर्मल पावर जो जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है कोल से, तो मतलब क्या होता है उसको हम लोग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, उससे बहुत ज्यादा हम लोग पूरे भी ब्लॉकआउट हो जाएंगे अगर वो हम कोयला बंद हो जाएगा ना, तो एक तरफ तो हमारे पूरे जनरेट कर रहा है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री चल रहा है, सबको फायदा हो रहा है, हमको इवन आप और हम जैसे लोगों को भी फायदा हो रहा है, बिजली मिल रही, लेकिन उन बेचारों का जमीन चला गया, उन बेचारों का लाइवलीहुड चला गया, यहाँ वो एक्सक्लूड हो गए ये इकोनॉमिक्स ग्रोथ से। तो यहाँ गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत है कि जो एक्सक्लूड हुए उसको इंक्लूड करें, और इसी इंक्लूड करने की प्रोसेस को इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोसेस कहते हैं। समझ में आया जी? हाँ। अब ट्रेडिशनल थ्योरी इस पर कहना है इसका, जिसको ट्रेडिशनल थ्योरी कहता है कि शुरू में जब ग्रोथ प्रोसेस होगा इनिशियली में, तो क्या होगा, इन इक्वालिटी में वृद्धि होगी, मतलब अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ेगी, ठीक। और ऐसा है इसलिए कि इकोनॉमी का बहुत सारे सेक्टर होता है, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, तो सभी सेक्टर एक समान मतलब बेनिफिटेड नहीं होते, कुछ सेक्टर ज्यादा बेनिफिटेड होते हैं और कुछ सेक्टर पीछे रह जाते हैं, लेकिन लेटर ऑन आने वाले समय में सारा सेक्टर मतलब को इकोनॉमिक्स ग्रोथ का माने बेनिफिट मिलता है। चलो मान लेते जैसे कुछ नेट्स कर वगैरह दी मिले, चलो ये मान लेते हैं, लेकिन हमारे भारत में ये लागू ट्रेडिशनल व्यू लागू नहीं होता है। हमने यह भी देखा कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स ग्रोथ, ठीक है, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म जब लिया गया था 1991 जून से एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कोई इसमें कोई डाउट नहीं, कुछ समय से हमारा देश काफी तेजी से विकास किया है, और वो 91 के पहले इस भारत को सांप और सपेरों का देश कहा जाता था, ठीक है, इसका अपना विश्व में नाम नहीं था, लेकिन 91 के बाद मनमोहन सिंह दैट टाइम एज ए फाइनेंस मिनिस्टर थे, और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो पीवी नरसिम्हा राव थे, उन्होंने यहां से लाया, ठीक है, एलपीजी की पॉलिसी, और उस समय से देश काफी तेजी से विकास किया, काफी मल्टीनेशनल कंपनी आई, हमारा ग्रोथ रेट भी अराउंड डबल डिजिट भी टच करने वाला था, एकदम लगभग क्रॉस क्लोज भी डबल डिजिट पे था, काफी विकास हुआ, लेकिन इस दौरान हमारी इनइक्वालिटी भी बढ़ी है, यह भी बात मैं कहना चाह रहा हूं, ग्रोथ तो हुआ है, डेवलपमेंट कम हुआ, क्योंकि तब वहां से प्रेशर आने लगा कि भाई एक तरफ तो ग्रोथ हो रही काफी है, लेकिन दूसरी तरफ इनइक्वालिटी बढ़ रही, तो ये इकोनॉमिक्स जो ग्रोथ होता है वो कभी नहीं इंक्लूसिव ग्रोथ का कंसेप्ट दे सकता है,
इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ही देता है। तो 11वीं जो हमारा 11 5 ईयर प्लान में इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। 12 प्लान में अलग अलग डिफाइन किया है जो मैं लेटर ऑन पार्ट ऑफ दिस वीडियो आई विल डिस्कस। तो कहने का मतलब है कि इसका जो संबंध है इकोनॉमिक्स ग्रोथ से ना होकर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट से और बिना गवर्नमेंट इंटरवेंशन किए जरूर मतलब हो नहीं सकता है। अब इसका एक बहुत ही अच्छा है कि जो भाई बेनिफिटेड हो रहे हैं उनसे पैसा आप ज्यादा हायर रेट ऑफ टैक्सेशन चार्ज करो, वहां से पैसा लेके और सोशल सिक्योरिटी पर सोशल प्रोटेक्शन पर खर्च करो, तो जो एक्सक्लूड हुए उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकता था। जैसा कि मैंने बड़का गांव हजारीबाग की एग्जाम्पल लिया था कि वहां के लोगों का जो जितना जमीन गया, हम नहीं बोल रहे देश की विकास होना बहुत जरूरी है, लेकिन जितना भी वहां से अर्निंग हो रहा है उसको कुछ परसेंटेज उन लोगों को जमीन की रेशियो के अनुसार मिलना चाहिए, जीवन भर मिलना चाहिए, कम से कम एक पीढ़ी तक तो जरूर मिलना चाहिए ताकि वो अपने पैरों पर अच्छा से खड़ा हो सके। ठीक है, तो जो ये कहा गया बातें हैं, तो इसके बाद एक कॉमनली जो यूज जो मेजर किया जाता है इनइक्वालिटी के लिए वो गिनी कोफिशिएंट होता है, उसका दो वैल्यू आता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गिनी कोफिशिएंट या गिनी इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसका दो वैल्यू होता है, एक वैल्यू जीरो होता है, कंपटीशन में आता है बहुत बड़ी कंपटीशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, जो परफेक्ट इक्वालिटी को बताता है, परफेक्ट इक्वालिटी को। जब इसकी वैल्यू जीरो होगी परफेक्ट इक्वालिटी और वन होगी तो परफेक्ट इन इक्वालिटी को बताता है। ठीक है, तो इसके अनुसार जो अकॉर्डिंग टू गिनी कोफिशिएंट है हमारा पीरियड बिटवीन 1983-84 और ये दो पीरियड के बीच है एंड 1993-94 ठीक है 1993-94 के बीच हमारे यहाँ इनइक्वालिटी में कमी हुई है। लेकिन यह भी बताता है कि इसके बाद जब हमारा एलपीजी की पॉलिसी 91 के बाद लागू हुआ, 94 तक पीछे का सर था, 94 के बाद इनइक्वालिटी में वृद्धि भी हुई है गिनी कोफिशिएंट जो गिनी इंडेक्स के अनुसार। ठीक है, तो अब यहाँ पर मतलब है कि हमारा देश में एलपीजी पॉलिसी के बाद इकोनॉमिक्स ग्रोथ काफी तेजी से हुई और उसका एक रिजल्ट हुआ कि इनइक्वालिटी में भी काफी वृद्धि हुई और इसी इनइक्वालिटी के कारण हर जगह डिस्पैरिटी देखने को मिल रहा है, चाहे एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, सोशल सिक्योरिटी हो। ठीक है, मतलब हर जगह इनइक्वालिटी को और इसी इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने एक 12 5 ईयर प्लान ही चला, उसके बाद नया गवर्नमेंट आया तो प्लानिंग कमीशन को डिसमेंटल करके नीति आयोग को किया जो लॉन्ग टर्म प्लान करेगा, वो 5 ईयर का पहले चलता था। ठीक है, तो क्या हुआ कि 11 5 ईयर प्लान में हम तो ग्रोथ को बहुत तेजी से कर रहे थे आफ्टर इकोनॉमिक्स रिफॉर्म के कारण, एलपीजी के पॉलिसी कारण, लेकिन उसके साथ ही हमारी इनइक्वालिटी बढ़ रही थी। इसके लिए हमारे पॉलिसी मेकर ने महसूस किया हो सकता कि 11 5 ईयर प्लान में इसको शामिल किया, किसको, इंक्लूसिव ग्रोथ का, एक्सक्लूडेड जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ग्रोथ का, उसको इसमें इंक्लूड किया जाए। और इस 11 5 ईयर प्लान में इंक्लूसिव ग्रोथ को जो डिफाइन किया गया है वो है एक प्रोसेस है जो बिल्ड करेगा ब्रॉड बेस मतलब खूब लंबा चौड़ा बेनिफिट और इंश्योर करेगा इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, मतलब कहीं ना कहीं सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इंक्लूड करने का विचार किया गया। फिर 12 5 ईयर प्लान में भी इसमें काफी जोर किया गया जिसमें इसको डिफाइन किया गया इंक्लूसिव ग्रोथ को फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, कहने का मतलब है कि इसमें फास्टर हो, तेजी से हो और सस्टेनेबल हो। ठीक है, और इंक्लूसिव हो। ठीक है, सस्टेनेबल मतलब हमेशा लगातार हो, अपने एक ईयर में मान लो कि कहने मतलब खूब बेनिफिट मिला डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को और हो सके दूसरा ईयर में डिसबेनिफिट मिलने लगा, वो नहीं होना चाहिए, सस्टेनेबल कॉन्टिन्यूसली वो बेनिफिटेड होते चाहे ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है,
लेकिन ये जो बात है कि हमारा गवर्नमेंट आफ्टर इकोनॉमिक्स रिफॉर्म से हम अगर देखते हैं तो काफी काम किया है इंक्लूसिवनेस पर। यह बात जरूर है कि इसमें जो हमारा रिजल्ट आया है वो एक्सपेक्टेशन हमारा जितना था प्रोग्राम एंड स्कीम का जितना खर्च था उससे काफी कम है, यह भी बात से इग्नोर नहीं किया जा सकता।